दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर। ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर। डिजायर बड़ा है बहुत, तो आपके अंदर से इतनी बड़ी एनर्जी आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। और इसी तरह से अगर ये डिजायर की पावर कम है तो ऑटोमेटिकली वो ला करके आपको रोक देगी। आप भी जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, कोई भी इस दुनिया में जो कर रहा है वो नहीं कर रहा, समझो इस चीज को। अरे हमारे जो डिजायर्स हैं अंदर दबे हुए, वो हमसे काम करवा रहे हैं। डिजायर क्या है? बीज की तरह। एक बार वो बीज गया तो उसने पेड़ बनना ही बनना है, उसके बाद रोते रहो। अगर वो बीज नीम का है तो नीम का पेड़ लग गया, अब वापस से आम का पेड़ लगने में बहुत साल लगेंगे, वो भी तब अगर आप आम का बीज बोने के लिए तैयार हो तो। नीम के पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोलते रहो जिंदगी कड़वी है, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ मिल गया तब भी मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो काम हो सकता है सिर्फ उस बीज को बोने से पहले ले। और ये बीज बोने का जो राइट टाइम है वो है आपकी एज में, जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। कि इस वक्त जो बीज अंदर चला गया गहराई तक हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा, एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही। दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा, चल बेटा तू ये कर। दिमाग दिमाग लगाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। बॉडी फॉलो करेगी, बॉडी कहेगी आने दे, जितना दर्द आ रहा है सहूंगा। दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा पढ़, ये करने का मन नहीं कर रहा कर, कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा, माइंड घुटने टेक देगा। क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा, उसको आप डिजायर की ताकत कह सकते हैं। डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा। क्या करना पड़ रहा है, करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। एंड में जीतता वो है जो मरने के लिए तैयार है। आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है, जानवर ही बन जाता। इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखो तो इंसान टॉप पर है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए, लेकिन इंसान आज जानवरों से भी नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसके डिजायर्स उसके ऊपर हावी हो गए, उसके डिजायर्स उससे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो बेचारा चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा। वो डिजायर जो आदतें बन चुकी है, जिन आदतों को वो चाह करके भी बदल नहीं पा रहे हैं, और वो बदल भी नहीं सकते जब तक कि अपने डिजायर्स को नहीं बदलेंगे। और जब वक्त था अपने डिजायर्स को चूज करने का, तब उन्होंने सही डिजायर चूज नहीं किया, तो आज वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। मेरी बातें सुन भी लेंगे और वो चाहेंगे अपनी जिंदगी को बदलना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन लोगों के लिए बदलना, लेकिन आप कर सकते हो जितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करना है, कैसा डिजायर अपने अंदर आपको जाकर ये प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है, एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में, और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या भगवान। भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में?
उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे? क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीच से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसने नहीं लगाया होगा। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया। क्या है? द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वर्ड है ना ये डिक्शनरी में आप सबके, है ना? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं? क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है।